हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसेंजर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। 28 जुलाई का फ्रेश इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। एंड गाइस लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं एंड उसके लिए हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है एसेंजर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जो भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है ये टोटली रिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो एंड इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेते हो, आप इजीली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आपको एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी प्लेलिस्ट देखने मिल जाती है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है एसेंजर इंटरव्यू एक्सपीरियंस 28 जुलाई 2023 मॉर्निंग स्लॉट। इंटरव्यू टाइम की बात कर ली जाए 11 AM का स्लॉट था। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंटरव्यूअर जो है कॉन्स्टेंटली उन इंटरव्यूअर के रिज्यूमे को देख रहा था। ओके, तो गाइस एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि उनके रिज्यूमे के तरफ कॉन्स्टेंटली देख रहा था एंड उसी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस की बात कर ली जाए, सबसे पहले टेल मी अबाउट योर एकेडमिक्स एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, तो एकेडमिक्स एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में बताना है कि अगर आपने बीटेक किया है तो कौन से फील्ड से किया है, कौन से पास आउट बैच से बिलोंग करते हो। ओके, आपका अगर आपका स्कोर अच्छा है कोई भी ईयर का तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ओके, ये चीज आपको बताना है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो टेल अबाउट योर रीसेंट प्रोजेक्ट यू हैव वर्क्ड ऑन एंड विच टेक स्टैक यू हैव यूज्ड। ओके, तो गाइस अगर आपने कोई रीसेंट प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में बताने कहा गया, क्योंकि रिज्यूमे में उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लिखे गए थे तो इसीलिए कहा इंटरव्यूअर ने कि रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ एंड कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया है उसके बारे में बताने कहा गया था। ओके, फिर उसके बाद आप देख सकते हो एनी फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम योर मेंटर दैट यू इनकॉर्पोरेटेड इन योर प्रोजेक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट में कोई फीडबैक है क्या जो मेंटर ने आपको दिया गया एंड किस तरह से आपने उसे इनकॉर्पोरेट किया उसमें। ओके, तो अगर आपको कोई सजेशन दिया है किसी ने आपके मेंटर ने आपके प्रोजेक्ट में, तो आपको आपने उसे किस तरह से ऐड किया। ओके, और कोई फीडबैक रिसीव हुआ है तो उसके बारे में भी पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ यू चूज द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट। किस तरह से आपने अपने जो है प्रोजेक्ट के टॉपिक चूज किए उसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट आ जाता है मोर क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्ट इन रिज्यूमे। तो गाइस रिज्यूमे में बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंडिडेट ने मेंशन किए गए थे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ओके, कि आपने जो भी प्रोजेक्ट मेंशन किए गए उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना। आई हैव मेंशन सम सर्टिफिकेट सो ही आस्क मी अबाउट दैट। तो जो भी सर्टिफिकेशन आप रिज्यूमे में मेंशन करते हो तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी सर्टिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया था, ओके, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए कि आपने कब किया था ये सर्टिफिकेशन, उसमें क्या सीखने मिला। ओके, एंड यही सब चीजें आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद डू यू प्रिफर टू वर्क अलोन और इन अ टीम। तो गाइस यहाँ पे आपकी टीम वर्क एंड टीम लीडरशिप क्वालिटी चेक करने के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्या आप टीम में काम करना पसंद करते हो या नहीं करते हो। तो आपको इसका आंसर देना है येस आई लाइक टू वर्क इन अ टीम बट आई कैन वर्क अलोन ऑल्सो बट आई एम अ गुड टीम प्लेयर एंड अ टीम लीडर ऑल्सो। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एनी ग्रुप एक्टिविटीज यू हैव बीन पार्ट ऑफ। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपने कोई ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, जैसे अगर आपने कोई ग्रुप प्रोजेक्ट खेला हो या तो कोई स्पोर्ट खेला हो जैसे कि क्रिकेट, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जिसमें ग्रुप एक्टिविटी होती है। ओके, तो क्या आपने किसी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है। ट्रेजर हंट हो गया, उसके बारे में आप बता सकते हो। इस तरह से आपने जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद एनी रिसेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन यू हैव सॉल्व एंड हाउ यू अप्रोच टुवर्ड द सॉल्यूशन। तो अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व किया है रिसेंटली तो किस तरह से आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अप्रोच करते हो, किस तरह से आपका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का, तो ये पूछा गया है। यहाँ से इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका अप्रोच क्या रहता है। ओके, ये जानने के लिए क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अब लास्ट क्वेश्चन देखने मिल जाता है एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो इस तरह से लास्ट में पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर कि आपके पास कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछने के लिए, तो आप इसका भी आंसर आप कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे टेक क्वेश्चन नहीं था, मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड एंड रिज्यूमे बेस्ड या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई हो एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में हम वीडियोस रेगुलरली ऐड करते रहेंगे आप सभी के लिए।
वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।